नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज की टॉप 20 खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची में कई जगहों पर छापेमारी की। देश के कई हिस्सों से कुलपतियों और शिक्षाविदों ने एक खुला पत्र लिखकर कुलपतियों की चयन प्रक्रिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों का विरोध किया है। यूपी के जौनपुर में नामांकन की आज आखिरी तारीख है और मायावती ने यहां से टिकट बदल दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बचपन से सुनते आए हैं कि समाज के बड़े बुजुर्ग ज्ञान ध्यान और काम की बातें करते हैं, लेकिन यहां तो आदरणीय 74 वर्षीय प्रधानमंत्री भी बुजुर्ग होने के बावजूद चुनाव में एक भी काम की बात नहीं कर रहे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की दो चुनावी सभाओं को तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण के साथ संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के उज्जवल निगम को देशद्रोही बताने वाले बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आक्रामक हो गई है। कांग्रेस नेता का कहना है कि पूर्व महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे को आरएसएस से जुड़े एक पुलिसकर्मी ने गोली मारी थी। श्रेयस तलपड़े को पिछले साल दिल का दौरा पड़ा था, वही एक्टर ने दावा किया है कि उनका दिल का दौरा कोविड-19 वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है। महाराष्ट्र में अजित पवार ने चुनाव प्रचार के दौरान मंच से पीएम मोदी की तारीफ की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अपने भतीजे रोहित पवार का मजाक उड़ाया, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। एनसीपी अजित पवार गुट के पुणे इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप के मुताबिक शरद पवार बारामती स्थित अपने घर पर आराम कर रहे हैं, आज उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाशिक जिला प्रमुख विजय करंजकर आज शिवसेना में शामिल हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नेता रोहित पवार ने कहा कि पार्टी टूटने के बाद टीवी पर खबरें दिखाई जा रही थी, उस समय शरद पवार साहब की भावनाएं बहुत कुछ कह रही थी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, अब 7 मई को 11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे का ऐलान 4 जून को होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी जी आपके हार के बाद देश में उत्सव मनाया जाएगा, या हो सकता है बीजेपी को वोट दिया तो पाकिस्तान में उसका जश्न मने। टी20 विश्व कप 2024 से पहले कैरेबियाई देशों को पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले की धमकी मिली है, टूर्नामेंट की शुरुआत 1 जून से होगी। नए हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार की चाल अच्छी तेजी पर आगे बढ़ रही है। मिड कैप और स्माइल कैप शेयरों में उछाल के दम पर घरेलू शेयर बाजार कुलांचे भर रहे हैं। लोगों के कौशल में निखार लाने के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं का महिलाएं खूब लाभ उठा रही है। आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठा रही है। तारक मेहता शो में काफी समय तक नजर आए एक्टर गुरुचरण सिंह सोढ़ी को लेकर उनके फैंस और घर वाले काफी परेशान हैं। उन्हें लापता हुए 15 दिन का वक्त हो गया है और अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं। प्रभास की कल की 2898 एडी की रिलीज की तारीख हाल ही में बदल गई है। पहले फिल्म 9 मई को रिलीज होने वाली थी, फिर डेट बदलकर 27 जून कर दी गई है। कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। इस शो में लोग खुद को रजिस्टर कर सके, इसलिए अमिताभ बच्चन ने एक सवाल पूछा है। बीते कई दिनों से केबीसी की तरफ से सवाल पूछने का सिलसिला चल रहा है। ऐसे ही टॉप 20 खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। धन्यवाद।